जिला बिलासपुर के घुमारवी क्षेत्र से एक महिला के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शातिरों ने लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाया है। शातिर कॉल कर कहते हैं कि आपका सदस्य मारपीट, हत्या, चिट्टे आदि के मामले में पकड़ा गया है, अगर अपने सदस्य को छुड़ाना चाहते हैं तो पैसे भेजें। बता दें कि इसी तरह की ठगी का शिकार घुमारवी क्षेत्र की एक महिला हुई है। शातिरों ने दुष्कर्म के मामले में पति को बचाने के लिए महिला से 40,000 रुपए की ठगी की। ठगी का पता चलने पर मामले की शिकायत घुमारवी थाना क्षेत्र को दी गई, जिसमें एक गांव की निवासी महिला के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल कर पैसे की मांग की गई। वहीं संदर्भ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जी देखिए, आजकल ना बहुत सारी फर्जी कॉल्स आ रही हैं, जिसमें कि आपकी जो आपके किसी रिलेटिव की, आपके किसी मतलब क्लोज रिलेटिव की जो है आवाज़ ना, एकदम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि आपको ये लगेगा कि जो वहाँ से कॉल कर रहा है, जो दूसरी तरफ से कॉल आ रही है, वो हूबहू आपके जो है जो नॉन लोग होते हैं उनकी आवाज़ से बिल्कुल मिल जाती है। तो वो लोग कॉल करते हैं कि जी मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ और आपका कोई हस्बैंड या कोई ऐसा कोई रिलेटिव जो है वो हमारे इधर इस केस में फंस गया है और उसको छुड़ाने के लिए जो आप इतने पैसे इसका अकाउंट में डाल दो। तो आदमी क्या करता है कि जल्दी जल्दबाजी में बगैर कुछ सोचे समझे जो है वो इमिडिएटली जो है पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे ऐसे बहुत सारे मामले जो है हो रहे हैं यहाँ पे। तो मेरी सब लोगों से यही भी वो है विनती है कि ये लोग जो है पहले कोई भी अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो उसको जो है पहले अच्छी तरह से वेरीफाई करें कि ये कॉल हमारे, हो सके तो बैक कॉल करके या अपने जिस रिलेटिव के नाम से जो कॉल आ रही है उनको फ़ोन करेंगे कि ऐसा कुछ आपको नीड है या नहीं है। अदरवाइज़ यही एक सॉल्यूशन है, बाकी जो पुलिस की कार्रवाई हो तो हम करते ही हैं। ये मामला किस तरह गया था सर? ये एक बड़ा पुलिस स्टेशन घुमारवी में का मामला है। उसमें जो है वो एक मतलब पुलिस अधिकारी बन के जो किसी ने फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे आपके लड़के को जो है भाई किसी इसमें चिट्टे के केस में पकड़ा हुआ है, तो आप इसको छुड़ाना है तो आप 40,000 रुपये वो इस अकाउंट में डाल दो। तो इस टाइप का मामला था। फिर उसने थोड़ी से थोड़ी जल्दबाजी कर ली जिससे कि वो उनके साथ ठगी हो गई। अब इसको हम कार्रवाई कर रहे हैं, चल रहा है। बता दें कि मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ठगी करने वाले शातिरों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।